तो हाय गाइस, आप देख रहे हैं फायर इन टेक और मैं आपको सोलोसाइल साउंड। तो मैं आपने टाइटल तो देखा ही होगा, तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो आफ्टर दी इंट्रो। तो गाइस, मैंने जैसे आपको बता दिया कि मैं बेसिक के लिए वीडियो बनाई है साइफिंग की, तो ये हैश वन होगा मेरा। और हैश टू में मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि मैं हैश टू में क्या करूंगा। तो ये बेसिक वीडियो है, तो इसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि इस ट्यूटोरियल में कि आप किस तरह से साइफिंग को यूज़ कर सकते हैं, उसके बेसिक नॉलेज मैं आपको दूंगा। तो देखिए, अभी हमें यहाँ फाइल्स पर हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस है, एडिट, व्यू, देखिए नेविगेशन है, कैनवास है, टूल बॉक्स है, और टूल बॉक्स में आपको यही मिलेंगे इसी तरह से। और यहाँ लेयर्स है, प्लगइन है, और यहाँ विंडो है। तो आपको मैं सिंपली बता दूँगा कि आपको क्या करना है, कि आपको यहाँ फाइल्स में ओपन करना है, और यहाँ जो एडिट और ये ऑप्शन है इन्हें आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। और यहाँ प्लगइन और फाइल्स, इस जो ऑफसाइट के जो ऑप्शन है उसमें आपको सिर्फ प्लगइन्स और यह फाइल्स इंपॉर्टेंट है, और इन जो ऑप्शन है उनको आपको एंटर नहीं करना है, क्योंकि वो ऑप्शन आपके लिए डिफ़िकल्ट है और इजी आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ से ही कर सकते हैं नीचे से। तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म टूल है, और यहाँ स्मूथ मूव टूल है। तो इस टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके यूज़ से आप अपना जो कुछ भी है वो कर सकते हैं। जैसे आप स्केच टूल है तो स्केच टूल को आप भी यूज़ कर सकते हो, इधर से आपकी साइज़ वहाँ देख सकते हो उसको किस तरह का शेड चाहिए, और उस शेड को आप रखा तो मतलब कलर्स को, तो आप इस तरह से कुछ भी कर सकते हो। देखिए इस तरह से मैंने ये एफ भी निकाल दिया, देखिए, या इस तरह से हम अगर आप कोई भी अपना जो पैड यूज़ कर रहे हैं जिससे आप ड्राइंग कर रहे हैं, तो उस पर आपको साइफिंग बहुत अच्छे से करने आएगा और आप ड्राइंग भी अच्छे से कर सकते हैं इस तरह से। तो हम अगर आपको बैक लेना है तो आप यहाँ देख सकते हो, ऊपर ये बैक का बटन है, ये देखिए अंडू द प्रीवियस एक्शंस। तो हम यहाँ ऐसे हम क्लिक कर देंगे तो ये बैक हो जाएगा, पर अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं तो ये आपको मे बी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके पर अपडेट को इसमें बहुत चेंजेस आ चुके हैं। जैसे देख सकते हैं कि आपको बहुत कुछ चीज़ें अलग दिखेंगी, तो ये यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो मेन ऑप्शन है तो यहाँ हमें टूल बार्स मिलेंगे, और यहाँ जो मेन चीज़ें हैं कि आप रेंडर कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्रीव्यू कर सकते हैं, या सेव कर सकते हैं, या रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। और ये जो कॉर्नर है इसमें आपको एनिमेशन के पैनल्स मिलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको उसके एडिट मिलेंगे, और उसके ट्रांजेक्शन्स है, और उसकी साइज़ कितने, तो आपको यहाँ ऊपर में इस तरह मिल जाएंगे। और यहाँ देख सकते हो, यहाँ पेंसिल है, मतलब आपने जो भी आप ऐड करेंगे टूल्स, तो यहाँ पर वो टूल्स दिखेंगे, और यहाँ पर उसके जो स्केच टूल यहाँ लिखा है, और यहाँ नीचे देख सकते हो, तो यहाँ हमारे मेन चीज़ें रहेंगी। मतलब अगर कोई भी फ़ोटो इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी ड्राइंग, कुछ भी वीडियोस या GIF यूज़ करके उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको इस लिस्ट में यहाँ आ जाएंगे आइकॉन में, और यहाँ पर दिख जाएगा आपको। और यहाँ जो नीचे देख सकते हैं, ये उसकी साइज़ है, ये इसका स्पीड ये है जिस पर आप काउंट है, मतलब यहाँ ये नीचे देख सकते हैं कि ये लेयर है यहाँ पर एक दो, तो इसे अगर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ सेट करने मिलेगा। और यहाँ पर 48F का मतलब यहाँ पर आपको मे बी 5 सेकेंड्स होगा 48F मतलब, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ 48 दिखेगा, और यहाँ से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 8 टाइप किया तो देख सकते हैं, तो यहाँ 8 पर सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ नीचे जाएंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। और अगर आप उसमें कुछ ऐड कर देंगे तो आपको ये देखिए, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, और यहाँ पर मैं इस तरह से ऐड कर देता हूँ या कुछ मूव कर देता हूँ, तो यहाँ ऐड हो जाएगा इस जगह पर यहाँ। और ये है हमारा मेन पैनल, जिस पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे तो वो फाइल नीचे ऐड हो जाएगी। देखिए इसे मैं हाथ में लेता हूँ, अगर ये सिलेक्ट होता है कि नहीं, पेन नहीं हो रहा, तो अगर आप कुछ ऑल सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। इसे ट्राई कर लेते हैं, देखिए स्लिप टूल, ओके, तो हम यहाँ जाते हैं और इसे चेक करते। देखिए जैसे हम क्लिक कर देंगे तो आपको ये जो टूल है इस तरह दिखेगा, और इस टूल के आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ कलर चेंजिंग है, उसकी ब्लेंड मेथड है, ओपेसिटी है,
डेप्थ है और यहाँ बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और यहाँ से आप इसे अनेबल डिसेबल कर सकते हो और यहाँ देखिए इस तरह से उसके लेयर्स भी आ गए। अगर आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो आपको विजिबल नहीं होगी, ये देखिए यहाँ से वो गायब हो गई और यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो फिर वापस आ जाएगी। और यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ इस तरह से लाइन इंक्रीज होते दिखेंगे और ये लाइन कम होती है असल में। और ये जो ऑप्शंस है उस ऑप्शंस को भी आप एनिमेशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये जो ये ट्रू है और ये रेड बटन है और ये जो रेंडर है तो मैं आपको वो अगले वीडियो में बता दूंगा। और अगले जो हैश टू होगा तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। वो किसी ने भी इस तरह की वीडियो से अपलोड नहीं की है ट्यूटोरियल साइफिंग का कि आप किस तरह से बैकग्राउंड देख सकते हैं। तो अगर मैंने वो वीडियो आपको इस वीडियो के बाद मतलब आई है तो आप उसे नीचे देख सकते हैं, सजेशन में आई होगी, नहीं तो आप मुझे सब्सक्राइब करके नीचे जाकर देख सकते हैं मेरे अपलोड वीडियो में और वहाँ से आप हैश टू चेक कर सकते हैं साइफिंग एनिमेशन स्टूडियो का। तो आपको उसमें पता चलता है कि आप किस तरह से कैरेक्टर सेट कर सकते हैं या बैकग्राउंड, तो मैं अब उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा आप किस तरह से अपना जो अब बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे वीडियो देखते चले जाइए और आपको जैसे जैसे आप अपने हैश कंप्लीट कर देंगे जो भी पार्ट्स होंगे सारे तो आपको ईजीली एनिमेशन कर पाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। बाय बाय।